आज यहाँ किस मुद्दे को लेकर पुतला दहन किया गया है, क्या बात का विरोध कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ सरकार में बैठे हुए सरकारी कर्मचारी अधिकारी और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के जितने भी लोग पीएससी में नियुक्ति का मामला है और उस नियुक्ति में भारी घोटाला है। आज आप देखिए पीएससी का जो परीक्षा लिख रहा है उनका नियुक्ति नहीं हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में जो पीएससी के पात्र भी नहीं उनका भी पीएससी स्तर का नियुक्ति, कई नियुक्तियां हुई है। इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय लगातार नियुक्तियां होती रही, कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बैठी है नियुक्तियां एक तो बहुत कम हुई है और उस नियुक्तियों पर भी भारी भ्रष्टाचारी है और नियुक्ति भी इस समय का वैकेंसी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय का वैकेंसी है, इसमें भारी घोटाला और गड़बड़ी है। और छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है धान खरीदी में घोटाला, यहाँ डीएमएफ जिला खनिज न्यास योजना में आज पूरे पैसे का बंदरबांट हो रहा है, यहाँ अनेक पहुँच विहीन गाँव है, वहाँ पुल पुलिया नहीं बन रहा है, वहाँ पेयजल व्यवस्था नहीं है, उस सब का ध्यान नहीं देते हुए यहाँ झूला खरीदा जा रहा है। एक एक जो छोटा मशीन है बच्चों का पढ़ने के लिए है जो 10,000 में आता है उसको 70,000 में खरीद रहे हैं। ये भूपेश बघेल सरकार का बहुत ही घृणित कार्य है, बहुत ही ज्यादा घोटाला है। इन लोग धान खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, गिट्टी खा रहे हैं, बालू खा रहे हैं, सब चीज केवल खाने का काम कर रहे हैं और आज तक भूपेश बघेल का एक भी योजना जमीन में सफल नहीं हुआ है। चाहे नरुआ गरुआ घुरुआ हो, नरुआ गरुआ घुरुआ केवल भूपेश बघेल का नाम है, उस योजना में पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, जो ग्राम पंचायत का विकास के लिए पैसा है 14वें 15वें 18वें सारा पैसा नरुआ गरुआ घुरुआ में लगा रहे हैं। और इन्होंने गोबर खरीद रहे हैं, गोबर खरीदी में भी भारी घोटाला है। एक गाय भूपेश बघेल की सरकार में एक दिन में एक गाय 70 क्विंटल गोबर करती है, या तो भूपेश बघेल का चमत्कारी गाय है या घोटाला है।